बोलता है अभी हमें चलना चाहिए, जाओ बोलता है ठीक है। तभी वैन बोलता है तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो थोड़ी दूर और यहाँ पे रुकना है। युवान बोलता है नहीं अभी हमें जाना है। वैन बोलता है नहीं अभी हमें नहीं जाना है, मतलब मुझे नहीं जाना, तुम चाहे तो जा सकते हो। युवान बोलता है डॉक्टर ने बोला था ना कि जाओ को आराम करने दो। वैन बोलता है हाँ तो मैंने कब बोला कि आराम नहीं करना चाहिए, वैसे भी मेरे से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वैन जाओ से बोलता है कोई प्रॉब्लम होगी मेरे से? जाओ बोलता है कि सबसे ज्यादा तुमसे ही प्रॉब्लम होती है मुझे। वैन का अजीब सा चेहरा बन जाता है और युवान हंसने लगता है। फिर बोलता है युवान वैन से सुन लिया कि प्रॉब्लम होती है कि नहीं, अब चले यहाँ से। और ये कहते ही वैन का हाथ पकड़ के उसे उठा देता है। तभी युवान की नजर वांग पे पड़ती है जो मुस्कुरा रहा होता है। फिर युवान वांग की नजरों पे ध्यान देता है जो उसके ही हाथों पे देख रही होती है। वांग की नजर अपने हाथ पे पड़ती है जो वैन की हाथ को पकड़ी हुई थी। युवान समझ जाता है कि वांग क्यों हंस रहा है, वांग फिर से वो घटिया चीज सोच रहा है। युवान वैन का हाथ छोड़ता है और वांग से कहता है तुम क्यों हंस रहे हो, तुम हंसना बंद करो। चुपचाप खड़ा हो जाता है और कहता है जी सर। फिर वांग वैन और युवान ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल जाते हैं। युवान वांग से कहता है कि वैन को उसके घर छोड़ दो। वैन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। युवान बोलता है तो ठीक है, वैसे भी बेचारे का टाइम खराब हो जाता और हाँ मूड भी खराब हो जाता, क्योंकि तुम किसी को छोड़ते थोड़ा ना, सबको पकाना स्टार्ट कर देते हो। वैन युवान से कहता है हाँ मुझे इसके लिए बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा, फिर आप तो इसे पकाओगे ही ना, आप थोड़ा ना कम पकाओ हो, अपने फालतू की बातें कर करके लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं। युवान वैन से कहता है हाँ पर तुमसे तो कम ही करता हूँगा। युवान बोलता है अगर मैं तुमसे लड़ने बैठ गया ना तो बहुत ही लड़ूंगा, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे लड़ने का मूड नहीं है। वैन बोलता है हाँ ये तो एकदम सफेद झूठ है। वैन बोलता है वैसे मुझे तो बहुत लड़ने का मूड है, मुझे तुमसे बात करने का भी मूड नहीं होता। और ये कहते ही वहां से चला जाता है। फिर युवान वांग से कहता है मैंने जो तुम्हें काम दिया था तुमने सच्ची में ढंग से तो किया है ना, आधा अधूरा तो जानकारी नहीं निकाला है। वांग कहता है नहीं सर अपना काम बहुत अच्छे से करता हूं, और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद जानकारी निकाल सकते हैं। युवान कहता है नहीं मुझे तुम पे विश्वास है। वांग कहता है थैंक यू सर विश्वास करने के लिए। युवान बोलता है चलो बताओ, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। कहानी सिर्फ वैन से होती है जो थोड़ा दूरी गया होता है। तभी वैन के फोन पे कॉल आता है, वो कॉल वूसी का रहता है। वैन उस कॉल को उठाता है। कॉल उठाते ही वूसी कहता है तुम तो 5 मिनट में आने वाले थे ना, क्या हुआ इतने घंटे हो गए पर तुम अभी तक नहीं है। बोलता है सॉरी पर मैं अब नहीं आऊंगा। उसी बोलता है अच्छा तो मतलब एक और दिन छुट्टी, तुम आजकल बहुत छुट्टी ले रहे हो, तुम तो पहले कभी छुट्टी नहीं लेते थे, अब तुम इतनी छुट्टी ले रहे हो कि पूछो ही मत। फैन बोलता है सॉरी उसी पर मैं थक चुका हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता। उसी बोलता है अच्छा पत्थर तोड़ने गए थे क्या? वैन बोलता है नहीं इंसानों को तोड़ने। उसी थोड़ा घबराते हुए बोलता है तुमने फिर से फाइटिंग तो स्टार्ट नहीं कर दी ना वैन? वैन बोलता है नहीं यार मैंने फाइटिंग स्टार्ट नहीं की। उसी बोलता है सच बताओ तुमने फाइटिंग स्टार्ट की है, तभी तो तुम इतने दिनों से उदास हो, तुम काम पे भी नहीं आ रहे। वैन तुम सच बताओ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे इतना नहीं बता सकते? वैन बोलता है मैं कसम खाता हूँ मैंने फाइटिंग स्टार्ट नहीं की है। उसी बोलता है किसकी कसम? वैन बोलता है अपनी दोस्ती की कसम। उसी बोलता है तब तो तुम सच ही बोल रहे होगे। फिर उसी बोलता है पर वैन मुझे सच सच बताओ तुम्हें किसी बात की टेंशन है? वैन बोलता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसी बोलता है तुम आजकल उदास रहने लगे हो, पहले मेरा वैन ऐसा नहीं था, मेरा वैन तो बहुत अच्छा था, हमेशा हंसता रहता था, कभी उदास नहीं होता था, पर अब तो तुम बहुत कम हंसते हो और उदास ज्यादा रहते हो। मैंने तुमसे कभी बोला नहीं क्योंकि मैं सोचता था कि तुम मुझे खुद बताओगे, पर तुम मुझे बता ही नहीं रहे हो, इसलिए मैं खुद चल के पूछ रहा हूँ क्या हुआ है वैन तुम सच बताओ। वैन कुछ बोलने ही वाला रहता है तभी वैन के कंधे पे कोई हाथ रख देता है। वैन पीछे मुड़ता है फिर उसी से कहता है मैं बाद में कॉल करता हूँ। उसी बोलता है क्यों? वैन बोलता है मैं बाद में कॉल करता हूँ ना। उसी बोलता है पर यार। वैन बोलता है कुछ नहीं मैं बाद में बात करता हूँ और बाद में मैं तुम्हारे हर बातों का जवाब दूंगा, और ये कहते ही फोन काट देता है। कहानी शिफ्ट होती है प्रिंस पे जो काम करके एकदम थक चुके होते हैं। लू और साओ भी प्रिंस के थोड़े दूर ही बैठे होते हैं। साओ लुओ से कहती है यार मैंने आज तक ना कभी झाड़ू पोछा नहीं किया है और इस बंदे ने मुझे पहले दिन में ही करा दिया। लुओ बोलती है बंदा वो हमारे सर है, तमीज से बात करो। साओ बोलती है तुम्हारा तमीज जाए भाड़ में, मैं कितनी थक चुकी हूँ, देखो ना मेरी ब्यूटी कितनी खराब हो गई, मतलब ना एक तो सुबह जल्दी उठाया ऊपर से काम भी करवाया, ऐसा थोड़ा होता है। कितना अच्छा मैं जॉर्जिंग सर के साथ थी, मुझे ना आज तक उनने कभी ऐसे काम नहीं करवाए, अच्छा मैं उनके पास रहती थी,
तो मैं किसी से इंफॉर्मेशन निकालती थी या फिर किसी का पीछा करती थी या फिर कोई चीज ढूंढती थी, पर झाड़ू पोछा तो नहीं करती थी ना। बताओ लुओ, सही कहा ना मैंने? लुओ साव की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही होती है। साव बोलती है बोलो ना, पर लुओ तो भी कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तो साव बोलती है ठीक है मत बोलो। प्रिंस बैठे हुए होते हैं और उनके माथे पे बहुत पसीना भर चुका होता है क्योंकि प्रिंस ये सब काम नहीं करते थे। ये देखते हैं कि प्रिंस को पसीना आ रहा है, इसलिए वो अपने जेब से रुमाल निकालते हैं और प्रिंस को देने ही जा रहे होते हैं। तभी प्रिंस के पास लुओ आ जाती है। लुओ अपना रुमाल निकालती है और प्रिंस का पसीना पोंछने लगती है। ये की नजर लुओ पे ही होती है। ये कंपैरिजन थोड़ा सा जेलस और थोड़ा सा गुस्से वाला रहता है। ये प्रिंस के पास जाते हैं और अपना रुमाल प्रिंस को दे देते हैं। प्रिंस बोलते हैं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लुओ ने मेरा पसीना साफ कर दिया है। ये बोलते हैं हाँ तो मैंने कौन सा तुम्हें दिया है, मैं तो ये बोलने वाला था कि सिलो और मेरा पसीना साफ करो। ये के चेहरे पे बिल्कुल पसीना नहीं आया होता है। प्रिंस बोलते हैं तुम्हारा पसीना कहाँ पे आया है, तुम तो एकदम ठीक हो। भी मैं क्यों पसीना साफ करूँ, खुद ही कर लो। ये बोलते हैं कि तुम भूल रहे हो कि तुम्हें मेरी बात माननी है, बात कोई सी भी हो तुम्हें माननी है और प्लीज मैं वापस धमकी नहीं देना चाहता। प्रिंस बोलते हैं पर पसीना आया ही नहीं है तो साफ क्या करूँ। ये एक पानी की बोतल लेते हैं और उसमें से पानी निकालते हैं और अपने चेहरे पे छिड़क देते हैं और बोलते हैं लो अब तो मैं भीग गया ना, चलो साफ करो। प्रिंस को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। प्रिंस गुस्से से उठते हैं और रुमाल लेते हैं और ये के चेहरे पे बहुत तेजी से रगड़ने लगते हैं। ये बोलते हैं कि आराम से। प्रिंस बोलते हैं तुमने बोला कि साफ करना है, कैसे करना है ये नहीं बोला ना। ये बोलते हैं तो ठीक है अब बोल रहा हूँ एकदम हल्के हल्के से आराम आराम से। प्रिंस को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है पर तभी भी वो ये को फिर आराम आराम से उसके चेहरे पे गिरा हुआ पानी साफ करने लगते हैं। तभी वहाँ पे वही डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं वाओ बहुत अच्छी सफाई हुई है, ये तुमने बहुत अच्छा कर्मचारी लाया है। कर्मचारी वर्ड सुन के प्रिंस को थोड़ा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने सफाई किया और वो कोई कर्मचारी नहीं। ये डॉक्टर से बोलते हैं मैंने कहा था ना डॉक्टर मैं बहुत अच्छा कर्मचारी लाऊंगा, मैंने ला दिया। प्रिंस का गुस्से का बाण टूट जाता है और वो ये से गुस्से से बोलते हैं मैं कर्मचारी नहीं हूँ ठीक है। फिर ये प्रिंस से कहते हैं तुम मेरे लिए कर्मचारी ही हो ठीक है, बहस मत करना मेरे से समझ गए ना, नहीं तो मैं क्या डायलॉग चेपूंगा, वो तो गीसा पीटा हो गया, तुम्हें तो याद ही आ गया होगा। गुस्से से बोलते हैं नहीं मुझे कुछ याद नहीं, तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं एक मिनट में तुम्हें मार सकता हूँ। ये बोलते हैं तो ठीक है मार दो। प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। प्रिंस अपने जेब से गन निकालते हैं और ये की तरफ रखते हैं और गोली चला देते हैं। ये जमीन पे गिर जाते हैं। डॉक्टर बहुत डर जाते हैं। लू और सौ भी खड़ी हो जाती है। ये के बहुत खून निकल रहे होते हैं। प्रिंस ये के पास बैठते हैं और कहते हैं मैंने कहा था ना मुझे कम मत समझना, मेरे सब्र का बाण तुमने तोड़ दिया तो ये तुम्हारे साथ हुआ, तुम इस काबिल हो समझे। और ये कहते ही मुस्कुराने लगते हैं। तभी प्रिंस का शरीर को एक तेजी से हिलाने लगता है। प्रिंस बोलता है क्या है और अपनी नजर उठाता है। तब प्रिंस देखता है कि ये उसके सामने है। ये प्रिंस से बोलता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे। अपने आसपास देखते हैं डॉक्टर उसी जगह पे खड़े थे, लू और साव बैठे हुए थे, मतलब ये प्रिंस का जगह आंख देखा हुआ सपना था। प्रिंस बोलते हैं तुम्हें क्या करना है, ये मत बोलना कि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ठीक है। ये बोलते हैं अच्छा आइडिया है तुम मुझे बता सकते हो वैसे। प्रिंस बोलते हैं कभी नहीं ठीक है, ये हद से ज्यादा हो रहा है और इतना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कुछ बोलने वाले रहते हैं तभी उनके फोन पे कॉल आता है। ये उस नंबर को देखते हैं तो युवान का कॉल रहता है। ये फटाफट उस कॉल को उठाते हैं। ये कॉल उठाते ही युवान से कहते हैं आखिरकार इस गरीब की तुम्हें याद आ ही गई। युवान बोलते हैं हाँ गरीब जैसे तुमने तो मुझे बहुत याद किया। ये बोलते हैं अच्छा मैं हमेशा तुम लोगों के पास कॉल करता हूँ तो मैं देखना चाहता था कि मेरे पास कोई कॉल करता है कि नहीं, मैं ही दूसरों का कान क्यों पकाऊं, मैं हमेशा तुम लोगों को कॉल करता रहता हूं पर तुम मुझे कभी नहीं करते, मुझे कितना अजीब लगता है तुम्हें पता है। युवान बोलते हैं तुम्हें कुछ पता है। ये बोलते हैं हैं क्या पता है, सब कुछ पता है। युवान बोलते हैं क्या पता है। ये बोलते हैं कि यही कि तुम दोनों मुझे मानते नहीं हो तभी तुम मेरे पास कॉल नहीं करते। युवान बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें पता है, मैं तो खामोखा सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा कि मैं तुम्हें मानता नहीं। ये बोलते हैं युवान से हे मैं मजाक कर रहा था, क्या तुम मुझे सच्ची में नहीं मानते। युवान बोलता है एक्चुअली मैं भी मजाक ही कर रहा था, तुम तो मेरे वो दोस्त हो जो गाली भी देना तो मैं सुन लूँ। ये बोलता है तुम मुझे इतना मानते हो। युवान बोलता है नहीं क्योंकि तुम गाली ही देते रहते हो। ये बोलता है मैं कभी गाली नहीं देता, बस कुत्ता कमीना हराम। फिर युवान बोलता है रहने दे बेटा आज गाली मत दे, मुझे नॉर्मल बात करना है गाली वाला नहीं। ये बोलता है क्यों मैं गाली ना दूँ, मैं तो वो दोस्त हूँ ना जो मैं से गाली देता रहता हूँ। युवान बोलता है चलो
अगर हम लड़ने बैठे ना तो हम बहुत लड़ेंगे, मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। ये बोलता है ठीक है बताओ मैं सुन रहा हूँ। इवान बोलता है पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बोलता है पूछ लो। इवान बोलता है तुम जाओ से बात क्यों नहीं कर रहे। ये का चेहरा उदास हो जाता है। ये बोलता है तुम जाओ से क्यों नहीं पूछते कि वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। इवान बोलता है ये से ये मुझे एक बात बताओ तुम जाओ वो कितने सालों से जानते हो। ये बोलता है क्या फालतू की बात है तुम जानते हो। इवान बोलता है पर मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। ये बोलता है 20 सालों से। इवान बोलता है तो तुम इतना नहीं जानते कि जाओ कैसा है। वो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, हर छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाता है। ये बोलता है इवान पर मैंने उससे बहुत बात करने की कोशिश की उस दिन पर उसने मुझे सीधा बोल दिया तुम जाओ यहाँ से तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा। इवान बोलता है हाँ ये मैं जानता हूँ बुरा लगता है पर अभी तुम्हें थोड़ा गुस्सा साइड करना चाहिए और जाओ उससे खुद चल के बात करना चाहिए। ये बोलता है नहीं इसे मैं खुद चल के बात नहीं करूंगा। कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे खत्म हुई थी, मतलब इवान से। इवान बोलता है ठीक है बात मत करो पर मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। ये बोलता है तुम कब से बोल रहे हो तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ पर तुम बता ही नहीं रहे। इवान बोलता है आज जाओ जा रहा था तो किसी ने उसे शूट कर दिया। ये टेंशन में हो जाता है और बोलता है कब कहाँ जाओ कैसा है। बोलते हैं जाओ अब ठीक है और उसे थोड़ी देर में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, मैं उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ और अगर हो सके तो तुम उससे बात कर लेना। और ये कहते ही फोन काट देता है। ये फिर अपने फोन में जाओ का नंबर निकालता है, वो कॉल करने ही वाला रहता है पर वो कॉल नहीं करता है और फोन वापस जेब में रख लेता है। ये प्रिंस ही कहता है कि अब तुम घर जा सकते हो मुझे कहीं जाना है। प्रिंस खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम जाओ तुम्हारा अर्जेंट काम होगा ना जल्दी जल्दी जाओ। ये बोलते हैं तुम ज्यादा खुश मत हो अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ नहीं तो मैं तुम्हें रात को भी बुला सकता हूँ तुम जानते हो ना मैं जब चाहे तुम्हें बुला सकता हूँ। प्रिंस और कुछ नहीं बोलते और मुंह फेर लेते हैं। ये वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर प्रिंस से कहते हैं वैसे तुमने सफाई बहुत अच्छी की है अगर अगली बार सफाई करना हुआ ना तो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा। प्रिंस डॉक्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं वैसे आपको पता है डॉक्टर मैं इंसानों की सफाई भी बहुत अच्छा करता हूँ। और ये कहते ही डॉक्टर के करीब जाने लगते हैं। डॉक्टर थोड़ा घबराते हुए बोलते हैं हाँ तो प्रिंस बोलते हैं तो मैं करके बताऊँ। डॉक्टर बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है। प्रिंस बोलते हैं नहीं एक बार करने तो दीजिए। डॉक्टर बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है और ये कहते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। फिर प्रिंस लू और साओ से कहते हैं कि अब हम यहाँ से चलते हैं। लू और साओ जाने लगती है तभी प्रिंस साओ और लू को रोकते हैं। प्रिंस उन दोनों से कहते हैं आज जो भी हुआ है वो पापा को मत बताना। साओ बोलती है क्यों सर। प्रिंस बोलते हैं क्योंकि मैंने बोला है। साओ और कुछ बोलती उससे पहले लू बोलती है ठीक है सर हम जाओजिंग सर को नहीं बताएंगे पर सर आप हमें इतना बताइए कि आप उनकी बात मान क्यों रहे हैं। प्रिंस बोलते हैं ये मेरा निजी मामला है इसलिए मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। वो बोलती है जी सर पर अगर आपको कभी इनसे पीछा छुड़ाना हो हमसे जरूर बोलिएगा हम कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। प्रिंस बोलते हैं ठीक है अब चलो। फिर वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है युवान पे जो जाओ को उसके घर ले जाने आया था। फिर जाओ और युवान जाओ के घर जाते हैं। घर जाते ही युवान जाओ को उसके कमरे में ले जाता है। जाओ युवान को थैंक यू बोलता है। युवान बोलता है तुमने मुझे पराया कर दिया क्या जो तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो। जाओ बोलता है बिल्कुल नहीं। युवान बोलता है अच्छा तो थैंक यू क्यों तुमने ही तो मुझे एक बार कहा था कि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। तो अब क्या हुआ दोस्ती खत्म हो गई क्या। जाओ बोलता है बिल्कुल नहीं दोस्ती खत्म होने से अच्छा कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। युवान बोलता है तुम फिर से मरने मराने की बात करने लग गए। जाओ स्माइल करता है और बोलता है अगर यहाँ पे ये होता तो कितना मजा आता है ना। तभी अचानक से जाओ के कमरे में ये आ जाता है। ये बोलता है तभी सोचो कि मुझे इतनी हिचकियाँ क्यों आ रही है मुझे यहाँ पे इतना याद जो किया जा रहा है। फिर ये जाओ से बोलता है कैसे हो जाओ। जाओ बोलता है मैं ठीक हूँ। ये बोलता है मुझे तो नहीं लग रहा तुम तो खुद अपने दम पे बेड से भी नहीं उठ सकते हो और तुम अपने आप को ठीक कह रहे हो। इसे ठीक कहते हैं मुझे तो आज पता चला। जाओ बोलता है नहीं मैं सच्ची में ठीक हूँ। ये बोलता है जाओ से कि तुम मेरे से अभी भी नाराज हो क्या। देखो जाओ तुम बीमार हो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी भी तो गलती है तुमने भी तो मुझे फोन नहीं किया। जाओ बोलता है मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे और मैं ये भी मानता हूँ कि थोड़ी गलती मेरी भी थी और मुझे कॉल करना भी था पर मैं कर नहीं पाया। ये बोलता है अच्छा कॉल क्यों नहीं कर पाए डेट पे गए थे क्या। जाओ मुस्कुराता है और बोलता है हाँ एक दिन जहर वाली डेट और एक दिन गोली वाली डेट। ये बोलता है मतलब जहर वाली डेट तुम कहना क्या चाहते हो। जाओ बोलता है ये सब छोड़ो मैं तुमसे सॉरी मांगना चाहता हूँ। ये बोलता है दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू पर तुम मुझे ये बताओ
कि जहर वाली डेट का मतलब क्या है। जाओ कुछ नहीं बोल रहा था, तब युवान बोलता है मैं बताता हूँ ना तुम्हें, ये तो नहीं बताएगा। जाओ युवान से बोलता है तुम्हें पता है युवान? युवान बोलता है मुझे सब पता है। ये तभी बीच में बोलता है हाँ तुम लोगों को पता है ना, पर मुझे नहीं पता। युवान जल्दी बताओ जहर वाली डेट का मतलब क्या है? युवान बोलता है कि जाओ की ड्रिंक में जहर डाल के किसी ने उससे मारने की कोशिश की थी। ये बोलता है जहर डाल के किसी ने मारने की कोशिश की थी। फिर वो जाओ से बोलता है कि पता चला किसने मारने की कोशिश की थी, कौन था वो एक बार बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। जाओ बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने खुद ही फांसी लगा ली है। ये बोलता है फांसी लगा ली पर क्यों? जाओ बोलता है ये सब बातें छोड़ो ना, मुझे अभी ये सब बातें नहीं करने। युवान बोलता है हाँ अभी ये सब बातें नहीं करनी, एक बहुत अर्जेंट बात है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। जाओ बोलता है क्या अर्जेंट बात है बोलो। युवान बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हैनिंग को गोली लग चुका है और उसे भी आराम की जरूरत है। जाओ बोलता है वो तो है, मुझे उससे मिलना चाहिए। युवान बोलता है चुपचाप बैठे रहो, उठा तो जा नहीं रहा, मिलने जाओगे जब तुम सही हो जाओगे तब चले जाना। तभी ये बोलता है हाँ युवान सही बोल रहा है, ये कभी तो थोड़ी बहुत बातें सही बोलता है, तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। फिर ये बोलता है जाओ मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी नर्स रख देता हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखेगी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ, वहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी नर्स है। फिर जाओ के पास जाता है और उसे शोल्डर से मारता है और कहता है बहुत खूबसूरत भी है। युवान बोलता है अच्छा वो गन चलाएगी? तभी ये बोलता है नहीं पर गोली जरूर खिलाएगी, वैसे भी मैं एक नर्स की बात कर रहा हूँ किसी फाइटर की थोड़ी ना। युवान बोलता है मैं फाइटर की बात कर रहा हूँ। ये बोलता है मतलब? युवान बोलता है कि मतलब ये है कि मैं जाओ के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड रखना चाहता हूँ जो उसका हर काम करेगा, जो इस हालत में उसकी मदद भी करेगा और उसकी रक्षा भी करेगा जब तक हैन सही नहीं हो जाता, हमें हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बोलता है सही बात है, पर ना खूबसूरत लड़की रखना, लड़कियाँ भी तो फाइटिंग करती है ना, मेरे भाई का ना मन लगा रहेगा, नहीं तो बोरिंग बोरिंग सा हो जाएगा यहाँ पे। वैसे भी जनाब की एक जगह पाँव टिकते थोड़ना है, यहाँ वहाँ जाने का मन होता रहता है, एक लड़की रहेगी ना पास में तो उसको तारने के चक्कर में एक जगह बैठा रहेगा। फिर ये जाओ से कहता है ना जाओ? जाओ मन में ही बोलता है कितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना हो मुझे उससे क्या मतलब। ये बोलता है कुछ बोलो ना। जाओ बोलता है मुझे कुछ नहीं बोलना। जाओ युवान से कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। युवान बोलता है तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम एक तो मेरी बात मान लो, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। जाओ बोलता है पर युवान। तभी युवान ये से कहता है मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ये बोलता है बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे तुम तो एकदम सही बोल रहे हो। जाओ मैंने अभी कहा था ना कि ये बहुत कम बात सही बोलता है, पर पता नहीं आज ये हर बात सही क्यों बोल रहा है, तो हमें इसकी बात माननी चाहिए, तुम्हें एक पर्सनल बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए जब तक हैन सही नहीं होता, हैन के सही होने के बाद उसे टाटा बाय बाय सी यू एंड टेक केयर कहते ना। जाओ बोलता है पर। तभी युवान और ये साथ में बोलते हैं पर वर कुछ नहीं, तुम्हें रखना है तो रखना है, तुम हमारी इतनी बात नहीं मान सकते तो हम यहाँ से चले ही जाते हैं। वो दोनों वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। तभी जाओ बोलता है हाँ मैं रखूंगा तुम गुस्सा होके मत जाओ। फिर वो दोनों साथ में बोलते हैं ये हुई ना अच्छी बात। फिर वो दोनों वापस से बैठ जाते हैं। ये युवान से कहता है तुमने कुछ सोचा है बॉडीगार्ड का या फिर मैं कुछ करूं? मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। युवान बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही एक बंदे को हायर कर लिया है। ये बोलता है बंदा? तुमने बंदा हायर किया है? मैंने कहा ना एक बंदी हायर करते तो अच्छा लगता। युवान बोलता है मैं अच्छा नहीं जाओ का भला चाहता हूँ और इसके लिए मैंने जो लड़का सेलेक्ट किया है वो काफ़ी अच्छा है। ये बोलता है ठीक है। फिर वो जाओ से बोलता है मेरे पास एक बुक है तुम वो पढ़ लेना। तब युवान बोलता है बिल्कुल नहीं जाओ, तुम इसका दिया हुआ बुक मत पढ़ना, बहुत ही बोरिंग बुक होता है, इसने मुझे एक बार बुक दिया था मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं सोच रहा था कोई लेखक इतना बुरा लिख सकता है क्या। ये बोलता है ओ युवान मेरे बुक के बारे में मत बोलना, मैं तुम्हें बहुत अच्छा बुक दिया था, देखो जाओ मैंने इसको बहुत अच्छा बुक दिया था, जासूसी वाला बुक, इतना अच्छा था पर इसके कोई पल्ले पड़ा ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती बोलो। युवान बोलता है ये जासूसी वाला बुक पढ़ने की वजह से ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हर किसी पे शक करते रहते हो। ये बोलता है मैं किसी पे शक नहीं करता, और मैं जिस पे शक करता हूँ और जो चीज़ को लेके शक करता हूँ वो हमेशा सच होता है, समझे। युवान बोलता है मैं नहीं समझा, तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम बेमतलब का हर लोगों पे शक करते रहते हो। इसी बात पे ये और युवान की लड़ाई होने लगती है। तभी जाओ बोलता है अरे यार तुम शांत हो नहीं सकते क्या, तुम कितना लड़ते हो। ये बोलता है पहले इसने स्टार्ट किया था, इसने मेरे बुक के बारे में बुरा बोला। युवान बोलता है जो जैसा होता है उसके बारे में हम वैसा ही बोलते हैं। ये तभी बोलता है तुम ये वर्ड मत बोलो, तुम ये वर्ड बोल रहे हो ना तो मुझे वेटर की याद आ रही है और अब मुझे गुस्सा आ रहा है। युवान बोलता है कौन सा वेटर? ये बोलता है वही
जो हम राजकुमार के बर्थडे पे गए थे ना, वो वैन केजिंग, उस पर बहुत ही गुस्सा आया था उस दिन। इवान बोलता है पर मेरी बात सुनो। तभी वहाँ पे वांग आ जाता है और इवान से कहता है सर वो आ गया। इवान कहता है ठीक है, थोड़ी देर में उसे अंदर भेज देना। वांग कहता है ठीक है सर, और वहाँ से चला जाता है। तभी जाओ पूछता है कौन आ गया इवान। इवान बोलता है तुम्हारा बॉडी गार्ड। जाओ बोलता है इतने जल्दी। युवान बोलता है जल्दी कहाँ है, तुम्हें अभी ज़रूरत है उसकी। जाओ बोलता है हाँ पर वो है कौन। युवान बोलता है तुम उसे जानते हो, वो लड़ाई में अच्छा है और उसे दवाइयों के बारे में भी पता है और मुझे उस पर विश्वास है इसलिए। जाओ कुछ बोलने ही वाला रहता है, तभी ये जाओ से बोलता है युवान ने कहा है तो वो अच्छा ही होगा। माना उसकी चॉइस उतनी अच्छी नहीं होती, पर इन सब मामलों में तो ठीक ही होगी, लड़कियों के मामले में थोड़ा हाथ तंग है इसके। युवान बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। ये बोलता है क्यों, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो तुम्हारी स्कूल वाली गर्लफ्रेंड। युवान बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। ये बोलता है अच्छा तो उसे किस क्यों किया था। युवान बोलता है तुम तो जानते ही हो ना, मुझे उस दिन शराब पिला दी गई थी। ये बोलता है शराब पी थी या फिर शराब के बहाने अपने मन की इच्छा पूरी कर रहे थे। युवान बोलता है तुम बहुत गंदे हो। जाओ ये से कहता है उसे छेड़ना बंद करो। ये बोलता है मैंने कहाँ छेड़ा, मैं तो सही बोल रहा था। उनमें से कोई भी कुछ बोल पाता तभी कमरे के अंदर एक आदमी की एंट्री होती है। उस आदमी को देखता है तो देखता रह जाता है। ये जो बैठा हुआ था वो वहाँ से उठ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो आदमी वैन रहता है। युवान फिर कहता है कि यही तो है जाओ का पर्सनल बॉडीगार्ड जिसको मैंने हायर किया है जाओ के लिए। ये जाओ से कहता है जाओ इसकी पसंद ना गर्लफ्रेंड को लेके क्या, बॉडीगार्ड को लेके भी बेकार है। वैन तभी बोलता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये बोलता है तुम। फिर वो जाओ से कहता है जाओ देखो इससे, ये फिर से मेरे से बहस कर रहा है। जाओ अभी भी वैन को ही देख रहा होता है। वैन ये से कहता है वो तो देख ही रहा है मुझे। फिर ये जाओ को देखता है जो वैन को ही देख रहा होता है। फिर ये उसे हाथ से मारता और कहता है तुम क्या कर रहे हो। जाओ वैन से नजर हटाता है और युवान से कहता है तुमने इसे बॉडीगार्ड के लिए चुना है। युवान बोलता है हाँ तो क्या खराबी है, तुम भूल रहे हो जाओ इसने ही तुम्हारी जान बचाई थी। ये बोलता है इसने जान बचाई थी। युवान कहता है हाँ इसने ही जाओ की जान बचाई थी, अगर वैन उस समय नहीं रहता वहाँ पे तो जाओ छोड़ो ये सब बातों को, तुम्हें पता है इसने ही जाओ को खून दी थी जब उसको जरूरत थी। ये बोलता है हाँ तो मतलब क्या है खून चूसेगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये जाओ के साथ रहा ना तो अगली बार मुझे इसे खून चढ़ाने ले जाना पड़ेगा। तो दिमाग भी इतना खाता है कि जाओ को पागल खाने भी ले जाना पड़ेगा। वैन बोलता है आपसे तो कम ही खाता हूँगा। ये बोलता है तुमने फिर से मेरे साथ बहस की। वैन बोलता है क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा पर मैं जब से आया हूँ आप तो मेरे में कमियां ही निकाले जा रहे हो। ये बोलता है कमियां निकाली कहाँ है अब निकालूंगा। वैन और कुछ बोलता है तभी युवान कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ मुझे अब और बहस नहीं चाहिए। ये बोलता है इसे बोलो मुझे कुछ मत बोलो। फिर वैन और कुछ बोलने वाला रहता है तभी युवान वैन की तरफ देखता है और बोलता है तुम शांत होगी कि नहीं वैन। फिर वैन बोलता है ठीक है और वैन को नोटिस करता है कि वो युवान के कहने पे एक बार में ही चुप हो गया। ये वैन से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा बदतमीज लड़का भी किसी की बात मान सकता है। वैन ये को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कुछ बोलने ही वाला रहता है तभी युवान इशारा करता है कि शांत हो जाओ, तो वैन शांत हो जाता है। ये वैन को शांत देख के बोलता है क्यों अब जवाब नहीं दोगे, तुम इतने शांत कब से हो गए, तुम्हें तो बदतमीजी करना पसंद है ना, सबको मुंह तोड़ जवाब देना अच्छा लगता है ना तुम्हें, तब क्यों नहीं बोल रहे बोलो। ये बीच में बोलता है कि बस करिए वो कुछ नहीं बोल रहा वो शांत है तो परेशान करना बंद करो। ये बोलता है मैं उसे नहीं वो मुझे परेशान कर रहा है यहाँ पे होके। युवान इसे फटाफट यहाँ से निकालो, मैं जाओ के लिए एक अच्छा सा बॉडीगार्ड ढूंढूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। युवान बोलता है इसकी जरूरत है ये और जाओ को कोई टेंशन नहीं है, तो तुम्हें इतना टेंशन क्यों है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा जाओ के साथ रहेगा, वो जाओ का पर्सनल बॉडीगार्ड है तुम्हारा नहीं। ये बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि वो जाओ का पर्सनल बॉडीगार्ड है और इस लड़के के लिए मेरे से लड़ रहे हो, अपने दोस्त से लड़ रहे हो। युवान बोलता है मैं लड़ नहीं रहा हूँ मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये बोलता है क्या, युवान बोलता है कि वो जाओ का बॉडीगार्ड है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो तुम्हारा सर नहीं खाएगा। ये बोलता है पर युवान ये का मुंह बंद करवाने के लिए युवान को सोचता है। युवान ये से कहता है कहीं तुम तो इस लड़के को पसंद नहीं करते ना, ये तभी तो तुम इतना टेंशन कर रहे हो, तुम जल रहे हो एक्चुअली में कि तुम्हारे साथ नहीं जाओ के साथ रहेगा, अगर तुम्हें ये लड़का पसंद है तो बोल दो। ये युवान के चेहरे पे ही देखने लगते हैं। तभी वैन अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं मैं हूँ ही इतना खूबसूरत, ये मुझे पसंद कर भी सकते हैं पर सॉरी मैं आपको पसंद नहीं करता। ये बोलते हैं छी मैं तुम्हें पसंद करूंगा कभी नहीं, मेरी पसंद इतनी घटिया नहीं, मुझे पानी ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गटर के पानी से काम चलाऊंगा, कभी नहीं। वैसे भी मैंने किसी को पसंद करके रखा है, वो तुमसे काफी अच्छा है, तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है। तभी जाओ ये से कहता है तुमने किसी को पसंद करके रखा है, मतलब तुम किसी से प्यार करते हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। युवान
में बोलता है, सच में तुम इसे को पसंद करते हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। ये जल्दबाजी में वो बोल दिया था जो अभी अपने दोस्तों से नहीं बताना चाहता था। ये फिर बात पलटने के लिए जाओ से कहता है, तुमने उस समय से कुछ नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हो? और हाँ युवान, तुम मेरे से बात मत करो। फिर युवान बोलता है, और तुम बात मत पलटो। ये बोलता है, मैं बात नहीं पलट रहा, मैं किसी को पसंद नहीं करता, वो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया। युवान बोलता है, पर इन बातों में तुमने इस बात का क्यों जिक्र किया? अटकते बोलता है, क्योंकि ये बोल रहा था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और काफी अच्छा है। ये ने बहुत तेज बोला होता है। जाओ बोलता है, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम जब भी तेज बोलते हो तब तुम झूठ बोलते हो। फिर युवान बोलता है, हाँ और तुम अटक भी रहे हो, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वैन भी बीच में बोलता है, हाँ आप झूठ बोल रहे हो, पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने दोस्तों से आपको सब बात शेयर करनी चाहिए। अब आप ही सोचिए, आपका ब्रेकअप हो गया तो आपके पार्टनर को कौन मनाएगा? आपकी दोस्त ही मनाएंगे ना। तभी युवान बीच में बोलते, कितने मनुज बोलते हो, अभी सेटिंग नहीं हुई, इनको ब्रेकअप की पड़ी है। वैन फिर बोलते हैं, अच्छा आपकी सेटिंग नहीं हुई, तब तो आपको दोस्तों को जरूर बताना चाहिए, ताकि ना आपके बारे में थोड़ा अच्छा अच्छा आपके पार्टनर को बता सके, ताकि आपका थोड़ा रेपुटेशन उसकी नजरों में बढ़ सके। ये बोलता है, आइडिया तो अच्छा है। फिर वैन बोलता है, हाँ अच्छा आइडिया है ना, मैं बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ, वैसे तो मैं आपको पसंद नहीं करता, पर आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोल दूंगा। ये बोलता है, जैसे मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे पार्टनर से मिलने की। वैन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, आप डर रहे हैं ना कि आपका पार्टनर कहीं मुझे पसंद ना कर ले, क्योंकि मैं हूँ इतना खूबसूरत। ये बोलता है, हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो, एकदम गधे की तरह। वैन बोलता है, चलो मैं तो गधा हूँ, चमगादड़ थोड़ा ना आपकी तरह। ये बोलता है, तुमने मुझे चमगादड़ बोला। वैन बोलता है, तुमने भी तो मुझे गधा बोला। ये बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते ही वैन के करीब जाने लगता है, तभी युवान बीच में आ जाता है और कहता है, लड़ना बंद करो, और हाँ अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले गए तुम, और ये मैं तो तुम्हें बाद में देखता हूँ, तुमने किसी को पसंद कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये बोलता है, पर युवान ये मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। ये का चेहरा एकदम उदास हो जाता है। वैन ये का चेहरा उदास देख के युवान से कहता है, वैसे आपने बताया है कि आप भी किसी को पसंद करते हैं, वैसे तो जाओ एकदम शांति से बैठा हुआ है, वो सब लड़ रहे हैं पर वो शांति से बैठा हुआ है, पर दूसरों की सेटिंग की बात सुन के जाओ हमेशा फर्स्ट में खोलता है। जाओ युवान से कहता है, तुम भी किसी को पसंद करते हो और तुमने मुझे बताया नहीं, मेरे दोनों दोस्तों ने मुझसे ये बात नहीं बताई, तुम लोग भूल रहे हो कि हमने वादा किया था कि हम जब भी किसी को पसंद करेंगे तब एक दूसरे से जरूर बताएंगे कि हम किसे पसंद करते हैं, और तुम में से तो किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। युवान से कहता है, अब तुम मेरे से नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि जो मैंने किया है वो तुमने भी किया है। युवान वैन के पास जाता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझे फंसा रहे हो। वैन कहता है, मैंने कहाँ फंसाया, मैंने तो सच कहा, और सच कहना गलत बात थोड़ा होती है। युवान वैन से कहता है, तुम्हारी गलत बात तो मैं बाद में बताता हूँ। युवान बोलता है, छोड़ो इन सब बातों को, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे और क्या बात करने लगे, हम यहाँ पे जाओ के लिए बॉडीगार्ड रख रहे हैं, ठीक है, अब इस टॉपिक से कोई नहीं भटकेगा, समझ गए, ये मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, ठीक है, और जाओ मुझे माफ़ करना, पर मैं क्या करता, अभी मेरा कोई फिक्स ही नहीं है कि वो भी मुझे पसंद करता है कि नहीं, और एक तरफा प्यार बताने से मतलब ही क्या था। जाओ युवान से कहता है, ठीक है, पर ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं तुम्हारी बात में खेल लूंगा, अभी मैं किसी बाहर वाले लोगों के सामने अपने दोस्त से लड़ना नहीं चाहता। वैन जाओ से कहता है, आप बात कर लीजिए, क्योंकि मैं तो यहीं पे रहने वाला हूँ, अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। जाओ हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम जाओगे। वैन भी मुस्कुराता और कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ और कुछ कह पाता तब युवान बोलता है, जाओ तुमने बोला था कि तुम बॉडीगार्ड रखोगे। जाओ बोलता है, हाँ युवान मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं इसे नहीं रखूंगा। जाओ की ये बात सुन के ये बहुत खुश हो जाता है और वैन को जाने का इशारा करता है। वैन भी इशारों में कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम आगे देखते जाओ। फिर वापस ये इशारों में कहता है, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। ऐसे ही इशारों में वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी युवान जाओ से कहता है, पर तुम इसे क्यों नहीं रखोगे? जाओ कहता है, क्योंकि ये मेरे दोस्त को पसंद नहीं। ये फिर वैन को इशारे में कहता है, सुना, ये मेरे दोस्त को पसंद नहीं, अब तो तुम गए। वैन हंसता है और इशारों में ही कहता है, देखते जाओ। ये का गुस्से वाला चेहरा बन जाता है। युवान बोलता है, पर ये मुझे तो पसंद है। जाओ कहता है, हाँ पर ये को तो पसंद नहीं है ना, और मेरे लिए दोनों दोस्त मैटर करते हैं, मेरा कुछ नहीं, अगर ये ने हाँ बोल दिया तो मैं इसे रखने के लिए तैयार हो जाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि ये कभी हाँ बोलेगा, तो दूसरा बॉडीगार्ड ढूंढ लो, इस पे टाइम वेस्ट मत करो। युवान फिर कहता है, ठीक है। फिर युवान ये से कहता है, ये तुम्हें मंजूर है कि वैन जाओ के बॉडीगार्ड के रूप में रहे? ये बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये जाओ के बॉडीगार्ड के रूप में रहे, और हाँ ये जाओ के पास किसी भी रूप में रहे ये मुझे पसंद नहीं। युवान कहता है, ठीक है, तो मुझे वो यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलता है, क्या यूज करना पड़ेगा? युवान बोलता है, तुम्हें याद है कि हम एक बार बाइक रेसिंग कर रहे थे? ये बोलता है, हाँ तो
इवान बोलता है, तो तुम्हें ये भी याद होगा कि हमने एक शर्त लगाई थी, जो हारेगा वो जीतने वाले की बात मानेगा। ये बोलता है हाँ, तो इवान बोलता है, तो तुम्हें याद होगा कि वो रेस में जीता था, इसका मतलब तुम्हें मेरी बात माननी है। ये बोलता है हाँ, पर ये सब बातें तुम अभी क्यों कर रहे हो। इवान बोलता है, ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी बात माननी है। ये बोलता है क्या। इवान बोलता है कि तुम वैन को जाओ के बॉडीगार्ड के रूप में स्वीकार करोगे। ये हंसता और कहता है 5 साल हो गए हैं इस बात को, और तुमने इन 5 सालों में मेरे से कुछ नहीं मांगा, पर तुम मांग भी कह रहे हो कि वैन को मैं जाओ के बॉडीगार्ड के रूप में स्वीकार कर लूं। युवान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें वैन पे इतना क्या भरोसा हो गया है कि तुम चाहते हो कि वैन ही जाओ का बॉडीगार्ड बने। इससे भी अच्छे अच्छे काफी सारे बॉडीगार्ड मिल जाएंगे, पर तुम क्यों चाहते हो कि वैन ही जाओ का बॉडीगार्ड बने। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ब्लैकमेल करके तो ये काम नहीं करवा सकता, क्योंकि जाओ के लिए तुम्हें कोई ब्लैकमेल भी करे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इसकी बात नहीं मानोगे। तो क्या बात। युवान बोलता है क्योंकि मुझे इस पे विश्वास है। ये हंसता और कहता है विश्वास है, ठीक है मैं वैन को जाओ के बॉडीगार्ड के रूप में स्वीकार करता हूँ। खुश युवान, मैंने अपनी बात मानी, ठीक है। युवान बोलता है थैंक यू। और अब हमें पता चलता है कि युवान ने ऑपरेशन थिएटर के बाहर वांग से क्या करने को कहा था। युवान वांग से कहता है कि जाओ का पर्सनल बॉडीगार्ड हैन कैसा है। वांग कहता है सर उनके हाथ में अभी गोली लग चुकी है, इसलिए उनका हाथ अभी काम नहीं कर रहा, और वैसे भी हैन सर इन दिनों बहुत ही बीमार है, इसलिए वो जाओ सर के साथ रह नहीं पा रहे। तभी तो जाओ सर के ड्रिंक में किसी ने जहर डाल दिया, अगर हैन सर वहाँ पे होते तो जाओ सर के साथ ऐसा कभी नहीं होता। युवान शोक हो जाता और कहता है क्या जहर। वांग कहता है सर ने आपको नहीं बताया कि उन्हें कल किसी ने जहर डाल के मारने की कोशिश की। युवान बोलता है जाओ ने मेरे से ये बात क्यों छुपाई। फिर वो वांग से कहता है पता चला कि किसने जहर डाला था। वांग कहता है हाँ सर एक मेड ने डाला था, पर वो मेड ने फांसी लगा ली, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसने फांसी क्यों लगाई। युवान बोलता है क्योंकि उसने जाओ के जहर में ड्रिंक डाला था, और तुम्हारे यहाँ के सारे लोगों को पता होगा कि जाओ कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है पर धोखा नहीं। वांग कहता है हाँ सर, पर वो आसानी से बच के निकल सकती थी क्योंकि जाओ सर ने उस पर बिल्कुल शक नहीं किया। सर मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जहर किसी और ने डाला था, उस मेड ने नहीं डाला था। युवान कहता है तो उसने फांसी क्यों लगाई। वांग कहता है सर मुझे तो ये लगता है कि उसने फांसी नहीं लगाई है। युवान कहता है मतलब। वांग कहता है मतलब ये सर कि उसे किसी ने मार डाला ताकि ये किस्सा यहीं पे खत्म हो जाए और छानबीन ना हो, ताकि जो असली मुस्लिम है वो बच सके। युवान कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने जहर डाला, तुम्हें उस पर इतना विश्वास क्यों है। वांग कहता है सर वो बहुत ही गरीब थी, उसका पति हमेशा दारू पी के उसे मारता था, और उसका एक छोटा सा बच्चा भी था जिसकी जिम्मेदारी उसकी माँ ही संभालती थी, उसके स्कूल का खर्च और बाकी खर्च सब उसकी माँ संभालती थी, तो वो ऐसा क्यों करेगी, अपने अच्छे खासे काम को ठुकरा के क्यों ये काम करेगी। युवान कहता है शायद उसने बहुत अच्छी रकम दी होगी उसे। वांग मुस्कुराता और कहता है उसने कितनी रकम दी होगी, क्या वो जिंदगी भर उस पैसे से काम चला सकती है। कोई इतना पैसा आपको नहीं दे सकता कि आप जिंदगी भर ऐस कर सको, और वैसे भी वो जो मेड थी उसे मैं बहुत अच्छे से जानता था, वो 5 सालों से यहाँ पे काम कर रही थी, उसके लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था पर इज्जत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। युवान कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है वो अभी भी जाओ के घर में ही होगा। वांग कहता है हाँ सर मुझे पूरा यकीन है कि घर वालों में से ही किसी ने किया है, बाहर के लोग हमारे यहाँ पे अलाउ ही नहीं है, बस आप और ये सर ही आते हैं और कभी कभी राजकुमार आ जाते हैं। वांग से कहता है वांग अभी जो अंदर लड़का गया है तुम्हें उसका नाम पता है। वांग कहता है नहीं सर। युवान कहता है ठीक है उसका नाम वैन केसिंग है। वांग कहता है हाँ सर। तो युवान कहता है तो ये कि तुम्हें उसका डिटेल निकालना है। वांग कहता है मतलब। वांग कहता है मतलब ये है कि तुम्हें इसके बारे में जानकारी निकालनी है कि वो क्या करता था कैसा है, उसकी फैमिली में कौन कौन है और वो कहाँ रहती है और क्या करती है, मुझे सारा डिटेल चाहिए। वांग कहता है क्यों सर। युवान कहता है जितना बोला है उतना करो। वांग कहता है ठीक है। युवान कहता है तो जाओ। वांग कहता है सर अभी। युवान कहता है हाँ मुझे अभी सारे डिटेल चाहिए जल्दी। वांग कहता है ठीक है सर मैं भी उसकी डिटेल निकालता हूँ, और ये कहते ही वहां से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे युवान जाओ से कहता है कि अब ये ने हाँ बोल दिया है तो तुम्हें इसे रखना पड़ेगा। जाओ वैन को नहीं रखना चाहता था पर वो अपने दोस्तों की बात टालता नहीं था, इसलिए वो कह देता है ठीक है। फिर वैन मुस्कुराता है और ये कोई इशारा करता है कि मैंने कहा था ना कि मैं यहीं पे रुकूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये को गुस्सा आ रहा होता है पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था, इसलिए ये अपना मुंह फेर लेता है वैन से और जाके बैठ जाता है एक जगह पे। युवान जाओ से कहता है थैंक यू जाओ मेरी बात मानने के लिए। फिर युवान वैन से कहता है बाहर चलो। वैन कहता है क्यों। युवान कहता है तुम मेरे से जुबान मत लड़ाओ, बाहर चलो चुपचाप।
वैन भी चुपचाप बाहर चला जाता है और कोई बहस नहीं करता। युआन और वैन के बाहर जाते ही ये फटाफट जाओ के पास चला जाता है और कहता है मेरी बात सुनो जाओ। जाओ कहता है तुम मेरे से बात मत करो, तुमने हाँ क्यों बोला, मैं तुम्हारे भरोसे पे था, मुझे यकीन था कि तुम उसे हाँ नहीं बोलोगे पर तुमने उसे हाँ बोल दिया। ये कहता है अच्छा तो तुम मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे थे। जाओ बोलता है तो मैं कर भी क्या सकता था, मैं युआन की बात नहीं टाल सकता था। ये कहता है तो मेरी भी क्या गलती है, युआन ने 5 साल पहले की बात अब लाके धर दी कि मैं उसकी बात मानूंगा और मैं अपने वादे का पक्का हूँ, अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, इसलिए मुझे हाँ बोलना पड़ा, पर मैं भी नहीं चाहता कि वो वैन तुम्हारे साथ रहे। फिर ये कुछ सोचता है और जाओ से कहता है मेरे पास एक आइडिया है। जाओ बोलता है क्या, ये बोलता है कि तुम वैन को इतना परेशान करो कि वो खुद ही काम छोड़ के चला जाए। जाओ बोलता है ऐसा कर सकते हैं, ये बोलता है क्यों नहीं कर सकते, युआन ने कहा था तुम इसे काम पे रखोगे पर वैन खुद ही नहीं रहना चाहता तो तुम कर भी कर सकते हो। जाओ बोलता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पर मैं उसे परेशान कैसे करूंगा। ये अपने सर पे मारता और कहता है ये भी मैं बताऊंगा, सीधी सी बात है तुम उससे अपना सारा काम करवाओ और खासकर वो काम करवाना जो उसे बिल्कुल पसंद ना हो। जाओ बोलता है पर मैं पता कैसे लगाऊंगा कि उसे ये काम पसंद नहीं है। ये कहता है अरे यार इतने सारे आदमी है, वो है ना डुआन पेंजू, कुछ करता तो है नहीं, उससे यही काम करवा लेना। जाओ बोलता है तुम डुआन से इतना चिढ़ते क्यों। ये बोलता है तुम जानते हो जाओ कि मैं उससे इतना चिढ़ता क्यों हूँ, एक्चुअली मैं डुआन को राजकुमार जिन ने दिया था जाओ को और ये को राजकुमार जिन की कोई भी चीज पसंद नहीं आती। जाओ कहता है पर, ये कहता है पर और कुछ नहीं, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, हम कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। जाओ कहता है हाँ ठीक है मैं ना उससे इतना परेशान कर दूंगा कि वो काम छोड़ के खुद ही चला जाएगा। ये बोलता है ये हुई ना मेरी दोस्त वाली बात, जाओ मेरे पास एक किताब है जिसमें ना हमें दूसरों को परेशान करने के ट्रिक दिए गए। जाओ बोलता है तुम ऐसी किताबें क्यों रखते हो, तुम भी किसी को परेशान कर रहे हो क्या। ये हंसता है कहता है नहीं मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा। ये तो ये का दिल ही जानता है कि वो किसी को परेशान कर रहा है कि नहीं, बेचारे प्रिंस को पूरे हॉस्पिटल की सफाई करवा दी। जाओ कहता है ठीक है, ये बोलता है मैं तुम्हें हाथों हाथ किताब भिजवा दूंगा। जाओ कहता है थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कहानी अच्छी लगे और इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहें, और चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वेंजू फैन के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लग रही है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और